नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा प्रश्न हम कर रहे हैं। आकृति 6.18 जो कि आपके सामने बनी हुई है में यदि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं आपके लिए, LM समांतर है CB के, देखिए ये LM CB के समांतर है और LN समांतर है CD के, LN समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए AM बटा MB बराबर है AN बटा ND के। बच्चों ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से हम इसे हल करेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों आप ये ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, बाकी भूल जाइए, सिर्फ ये त्रिभुज देखिए ए बी सी, इसमें एम एल बी सी के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है एल एम समांतर है बी सी के, एल एम सी बी के समांतर है, तो इस त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगी ए एल बटा एल बी एल सी बराबर होगा ए एम बटा एम बी के, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, त्रिभुज ए सी बी में एल एम समांतर है सी बी के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार AL बटा LC बराबर होगा AM बटा एम बी के। हमने सिर्फ ये वाला त्रिभुज देखा है बच्चों, सिर्फ ऊपर वाला त्रिभुज, इसी प्रकार अब हम नीचे वाला त्रिभुज देखेंगे, ये जो आपके सामने है। अब मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी सी में या डी सी ए में, देखिए एल एन ये है एल, एल एन समांतर है सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के, तो फिर से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार देखिए ये समांतर है तो ए एल बटा एल सी यह समान बराबर होगा ए एन बटा एन डी के, इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर टू। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इन दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखिए, यह है ए एल बटा एल सी, ये भी है ए एल बटा एल सी, तो इन दो समीकरणों की यदि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो यहां हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगी, यानी कि ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन डी के। और बच्चों यही हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, ए एम बटा एम पी को ए एन बटा एन डी के बराबर सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया है बच्चों, इस आकृति को
सिर्फ एक छोटे कागज की मदद से हमने दो भागों में बांटकर एक त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई, फिर इसी प्रकार से इस त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई और हमें दो इक्वेशनें प्राप्त हुई। हमने देखा उनकी लेफ्ट साइड बराबर थी तो राइट साइड भी बराबर होंगी। इस प्रकार से हमने इसे सिद्ध कर दिया। आशा करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस देखकर उन प्रश्नों को अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।